हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर ऑफ चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज का वीडियो बेसिकली होने वाला है कि किस तरह से हम अपने टूलिंग वेबसाइट को वर्डप्रेस पे लिंक करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे के हमने इमेज कंप्रेसर टूल बनाया था। ठीक है, तो उस इमेज कंप्रेसर टूल के अलावा आज हम एक और टूल बनाना सीखेंगे और उसके साथ साथ और उस टूल को हम अपने वर्डप्रेस में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे। क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में हमने डायरेक्टली टेस्ट किया था, एक कन्वर्टर मास्टर टूल वेबसाइट के अंदर हमने टेस्ट किया था। आज के वीडियो में हम पूरी तरह से देखेंगे कि किस तरह से हमारा टूल वर्क करेगा एक वर्डप्रेस वेबसाइट पे। चलो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं चैट जीपीटी पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक आज हम टूल बनाएंगे। गाइज, मैं जो भी टूल बना रहा हूँ ये सारे टूल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एक एक करके डालते जाऊँगा, चेकआउट करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं इमेज टू वेब पी कन्वर्ट टूल बनाऊँगा, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा यूज होता है उन लोगों के लिए जो वेब डेवलपमेंट करते हैं। उन लोगों को इमेज को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से उनका जो वेबसाइट का स्पीड है बहुत फास्टली लोड होता है, तो इसके लिए लोग वेब पी यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे इमेज से वेब पी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और चैट जीपीटी की मदद से हम इस टूल को बनाएंगे। यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ चैट जीपीटी को। देखिए, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है और ये फटाफट जनरेट कर रहा है। इसको हम क्या करेंगे, देखिए मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो गलत दिया है। मेरा जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो HTML JSS सेपरेट चाहिए मुझे। तब तक मैं convertermastertool.com खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा जो टूल है रेडी है, देखते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि हमारा ये इमेज है ओपन, तो अभी हमारा यहाँ पे डाउनलोड बटन नहीं है। तो अगर गाइस इंस्ट्रक्शन आप करेक्ट देते हैं तो डाउनलोड बटन भी ऐड कर देता था। अभी हमने क्या किया, इसमें डाउनलोड बटन डायरेक्टली बोल दिया डाउनलोड बटन, बट ऐसा कीजिए यहाँ पे लिखिए डाउनलोड कंप्लीट कोड ऑफ HTML CSS एंड जावा सेपरेटली। गाइस यहाँ पे देखिए मैं अभी इसको इसने जनरेट किया, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं चूज करता हूँ फाइल को, इसको ले लेता हूँ कन्वर्ट टू वेबपी। यहाँ पे फाइल को चूज करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट टू वेबपी किया मैंने। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड बटन भी आ चुका है, लेकिन ये दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं बेटर लुक के लिए एंड रिस्पॉन्सिव टू ऑल डिवाइसेस एंड ऐड प्रॉपर बॉर्डर टू इमेज प्रीव्यू बॉर्डर टू टूल ग्रीन कलर ऑफ बटन राइट कंप्लीट HTML CSS जावा सेपरेटली। अभी देखिए क्या जनरेट करता है। गाइस लुक तो दे दिया बट कंप्रेस नहीं हो रहा है। अभी हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं इमेज प्रीव्यू नॉट शोइंग फर्स्टली, सेकंड हम बोलेंगे इसको दिस टूल नॉट वर्किंग
करेक्ट फुल HTML, CSS, Java. Make sure everything working properly. इसको रिप्रेस कर लेंगे एक बार. ओके गाइस, तो देखिए हमारा टूल रेडी है ऑलमोस्ट, और बाकी सारे चीजें तो आप कर लेना. यहाँ पे इसको किस तरह से बटन को इस सेम कलर लेके आना है वो सारी चीज़ें आप कर लेना. तो मैंने यहाँ पे प्रीव्यू और ये सब सारी चीज़ें लेके आ गया. तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से इसको हम HTML, CSS और जावा कोड को हम किस तरह से अपने WordPress डैशबोर्ड में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे प्लगइन में चले जाएंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे WP कोडर. देखिए आ चुका है कीवर्ड यहाँ पे. WP कोडर आने के बाद इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरा इंस्टॉल है और एक्टिवेटेड भी है. ठीक है, अभी हमको करना क्या है, इसके बाद चले जाना है यहाँ पे WP कोडर के अंदर में, यहाँ पे ऐड करेंगे. ठीक है, ऐड करेंगे और यहाँ पे आपके टूल का नाम दे देंगे. अभी क्या करना है हमको, HTML, CSS और जावा कोड को यहाँ पे डालना है. उससे पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक और ओपन कर लेंगे कन्वर्टर मास्टर टूल, और इसको कॉपी कर लेंगे हम HTML को, और यहाँ पे चले जाएंगे नीचे HTML मिनीफायर. ये क्यों हमको करना है, इसका रीजन ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि हमारा कोड कॉपी करने के लिए कोशिश करते हैं. जब ये मिनीफायर रहेगा उसको समझने में उसको बहुत परेशानी होगा, तो इसके लिए हम ये मिनीफाई करते हैं. और प्लस ये जो हमारा जो वेबसाइट होता है वो लोड फास्ट होता है. जितना भी आपका HTML और ये मिनीफायर रहेगा उतना ही वेबसाइट आपका फास्ट लोड होगा. ठीक है, तो अभी हम चलेंगे यहाँ पे, हमने मिनीफायर वाला कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. सेम CSS में आ जाएंगे, यहाँ पे लाइव कोड कॉपी, और यहाँ पे चले जाएंगे CSS वाले पे. किधर है CSS आप देख लेंगे, यहाँ पे रहा CSS मिनीफायर, मिनीफायर कॉपी. ठीक है, यहाँ पे हम वापस से आ जाएंगे CSS, उसके बाद यहाँ पे JSS पे आ जाएंगे. GSS को हम एज इट इज नहीं डालेंगे. GSS के लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा फिलहाल के लिए टूल, उसका यूज करेंगे GSS ऑब्स्कटर. यहाँ पे GSS को हम इनक्रिप्ट करेंगे, इस टूल का यूज करेंगे हम. ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा GSS इनक्रिप्ट हो गया. अभी ये जो साइट है ट्रस्टेड है थोड़ा, हम क्या करेंगे फ्यूचर में देखेंगे कि इस वेबसाइट का भी यूज नहीं करेंगे, फिर भी हमारा JSS इनक्रिप्ट हो जाएगा. कि आप बिना किसी को अपना जो कोड शेयर किए आप अपने ही एंड पे इसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं. इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप फिलहाल तो मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से इसको इनक्रिप्ट करते हैं. यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे सिंपली सेव कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे लिस्ट में आएंगे, लिस्ट में आने के बाद देखिए यहाँ पे एक्टिव स्टेटस ऑन और टेस्ट मोड ऑफ, इसको जो शॉर्ट कोड है इसको कॉपी कर लेंगे. ठीक है, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ. उसके बाद यहाँ पे किसी भी पोस्ट में जाएंगे, जो भी आप जहाँ पे भी डालना चाहते हैं, जैसे पोस्ट डालना चाहते हैं या फिर पेज बनाना चाहते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, ऐड कर लेना है. यहाँ पे आपको आपके टूल का नाम दे देना है, जैसे कि इमेज कन्वर्टर टूल है. यहाँ पे इसको पब्लिश कर देंगे. आपके पास एलिमेंटर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करके आप शॉर्टकट सर्च कर सकते हैं.
यहाँ पे आप शॉर्ट कट पेस्ट करेंगे जो कॉपी किया था यहाँ पे, ठीक है, अपडेट। अभी मैं एक और शॉर्ट कट पेस्ट करके दिखाता हूँ, एडिट विथ एलिमेंटर। दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी टूल आ चुका है, यहाँ पे आपके पास जो भी प्रेजेंट है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये आ चुका है टूल, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप इस हिसाब से यहाँ पे आप पूरा कंटेंट भी लिख सकते हैं इमेज के कन्वर्टर के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा और इसको और अच्छा भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है किस तरह से इसको दिखाना है। अभी इसको मैं सेव कर दिया, अपडेट कर देंगे, और यहाँ पे आपको SEO कर लेना है प्रॉपरली, तभी जाके आपका टूल जो रैंक में आएगा, ठीक है। यहाँ पे Yoast SEO, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फिल कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि कौन सा टूल है, कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ें आप डालेंगे, कंटेंट डालेंगे, तभी जाके आपका वेबसाइट रैंक करेगा। तो उसके लिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस लिंक को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ओपन करते हैं। ये देखिए हमारा टूल यहाँ पे रेडी है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये टूल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारा टूल पूरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। गाइस इस तरह से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे कोई भी टूल ऐड कर सकते हैं, चैट जीपीटी की मदद से लिखवा सकते हैं। गाइस इसमें एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि बहुत सारे जो टैलेंटेड लोग हैं आपके वेबसाइट के कोड को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आने वाले वीडियो में वो भी कवर करूंगा कि कैसे इसको और भी सिक्योर बना सकते हैं जिससे कोई भी इसको कॉपी नहीं कर सके। गाइस जैसे कि मैंने कहा था कि लोग वीडियो बनाते हैं कि किस तरह से अर्निंग कर सकते हो, किस तरह से, पहले आप ये तो बताओ कि अर्निंग करने से पहले क्या प्रोसेस है, क्या काम क्या करना पड़ेगा। तो वो सारी वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ, तो ऐसी वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।